हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक प्रोटीन का रिव्यू, लेकिन इस बार थोड़ा सा रिव्यू अलग तरीके का है। हमेशा मैं क्या करता था, पहले प्रोडक्ट को लेके आया, आपके सामने अनबॉक्सिंग करी और उसे मिक्सबिलिटी टेस्ट सब कुछ चेक किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा माहौल अलग है। अनबॉक्सिंग मैंने आज से लगभग एक हफ्ते पहले कर दी थी, उसका वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा कैसी पैकिंग है इसकी। उसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कैसा इस प्रोटीन का रिजल्ट है और कैसी मिक्सिबिलिटी है, कैसा टेस्ट है, कितने रुपए का आता है, सारी चीजें आप लोगों के साथ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मेरे पास है फास्ट एंड अप का वे आइसोलेट, जो कि एक प्योर आइसोलेट प्रोटीन है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। देखो, फास्ट एंड अप हमेशा से पैकेजिंग के मामले में बेस्ट रहा है। इसके कोई सी भी प्रोडक्ट आप उठा लो, बहुत ही सुंदर और अच्छी पैकिंग होती है। देखो, एक तो दिखने में भी बहुत अच्छे रहते हैं, एकदम यूनिक सा कलर रहता है ना, ऑरेंज व्हाइट, इसके सारे प्रोडक्ट के सेम ऐसे ही कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं। उसके अलावा ना, पैकिंग के मामले में सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी कंपनी इससे अच्छी पैकिंग बना के देती है। इसकी पैकिंग हमेशा से बेस्ट रहती है, बट उसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि बेस्ट होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पैकिंग कैसी है। तो मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं किस तरह की इसकी पैकिंग है। पैकिंग काफी अच्छी क्वालिटी की है, काफी मजबूत है। मतलब ढक्कन को खोलने के बाद में ना, जब मैं उस रैपर को निकाल रहा हूँ तो मतलब हाथ से निकल ही नहीं रहा, मुझे चाकू का यूज करना पड़ा है। तो पैकिंग आप लोगों ने देख ली है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। दूसरी चीज आती है, आप इसे ओरिजिनल या डुप्लीकेट कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ना स्क्रैच कोड भी आता है, देख सकते हैं आप लोग, बार कोड भी है, तो आप यहाँ से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंग्रीडियंट की, खोल के मिक्स करके भी दिखाएंगे आपको, बट उससे पहले बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट और प्राइस की। आपको बता देता हूं, जो इसका स्कूप साइज है वो है 31 ग्राम का, और इसके अंदर टोटल जो स्कूप मिलते हैं आप लोगों को वो मिलते हैं 31 ग्राम के। जो स्कूप में आपको प्रोटीन मिलता है वो है आपका 26 ग्राम प्रोटीन, और बीस एड वाले मिलता है वो है 6 ग्राम, और ग्लूटामाइन मिलता है वो है 4.5 ग्राम। काफी अच्छी प्रोफाइल है इस प्रोटीन की, और इन्होंने बड़ा बड़ा मेंशन किया है प्योर आइसोलेट प्रोटीन, जो कि मैं काफी दिन से इसे यूज कर रहा हूं, तो मुझे भी लगा कि बहुत ही अच्छी और रिफाइंड क्वालिटी का प्रोटीन है। अब आपको बताते हैं इसका प्राइस। देखो, इसका जो प्राइस है, मतलब इसकी एमआरपी है बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 4,699 रुपये एमआरपी है, बट एमआरपी के ऊपर आपको नहीं मिलने वाला है। ऑलमोस्ट आपको 40-45% ऑफ मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अभी मेरे पास है रिच चॉकलेट फ्लेवर, तो अभी फटाफट से खोलते हैं और इसकी मिक्सबिलिटी और टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताते हैं। लेकिन इसे खोलने से पहले एक चीज बताऊं, आपने अगर मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, रिव्यू वीडियोस, तो आपको पता है मैं मिक्सबिलिटी हमेशा ग्लास में चेक करता हूँ, क्योंकि शेकर के अंदर ना कोई भी प्रोटीन इजिली मिक्स हो जाता है। तो अभी फटाफट से निकाल लेते हैं अपना एक स्कूप प्रोटीन। लेकिन एक चीज प्रोटीन के अंदर है, आज तक ना मैंने 6-7 साल में जितने भी प्रोटीन पाउडर देखे, यूज किए या रिव्यू किए, वो मुझे किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिला जो कि मुझे इसके अंदर मिला है। भाई, स्कूप को हैंग करने के लिए ना अलग से ना अपना कुंडा टाइप बना रखा है इन लोगों ने, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपको कुछ नहीं करना, अपने स्कूप को ऐसे हैंग कर दो तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी, मतलब छोटी छोटी चीजें ना चेंज करने से प्रोडक्ट ना एक अलग ही लग्जरी वाला फील देता है, समझ रहे हो आप लोग। बाकी फिर फटाफट से प्रोटीन निकाल लेते हैं। तो मैं एक स्कूप प्रोटीन पूरा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर 200 ml पानी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने आधा स्कूप से थोड़ा सा ज्यादा लिया है, थोड़ा सा और डाल देता हूँ, ये देखिए, क्योंकि हमें केवल मिक्सिबिलिटी चेक करनी है, बाकी क्या ही करना है। तो अभी हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करके देखेंगे, क्योंकि मैं इसे एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं, तो शेकर में तो इजिली मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पहली बारी में इसे ग्लास में मिक्स करके देख रहा हूं, वो भी आप लोगों के सामने। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बट मैं आपको बता दूं, शेकर में ये 100% अच्छे से मिक्स होता है, बट ग्लास के अंदर ना 100% नहीं, 95% अच्छे से मिक्स हो गया है। हल्के हल्के से दाने बचे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि आइसोलेट प्रोटीन ना बहुत ज्यादा बारीक होता है, तो अच्छे से ग्लास के अंदर हम इसे मिक्स नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे पी के दिखाता हूँ, वैसे तो मैं एक हफ्ते से पी रहा हूँ, बट अभी आपको बताना है ना कैसा है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ,
अगर आप किसी भी कंपनी का कंसंट्रेट प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर में पीते ना तो काफी ज्यादा मीठा रहता है। बट इन्होंने इसके ऊपर ना मेंशन किया हुआ है जीरो एडेड शुगर, तो इसके अंदर शुगर बहुत कम है, तो इसके अंदर स्वीटनेस ना बहुत ही नाक के बराबर है। चॉकलेट फ्लेवर पी रहा हूं मैं, फिर भी मुझे ऐसा मीठा मीठा फील नहीं हो रहा है, मतलब एवरेज है, पीने लायक है, बट ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा मीठा है। ठीक है, तो मिक्सिबिलिटी भी अच्छी है और इसका टेस्ट भी अच्छा है। सबसे मेन चीज है कि आप लोगों को पता है मैं आजकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, एप्स वगैरह पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इसे एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ। रिकवरी बहुत अच्छी करता है, मतलब ओवरऑल आप इसे खरीद सकते हैं, खरीदने लायक ये प्रोडक्ट है। तो आप में से किसी को भी खरीदना होना तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से मैं अपना प्रोटीन पी लेता हूँ। इसके अलावा ना अपने चैनल पे बहुत सारे ब्लॉग्स, सप्लीमेंट रिव्यू और एक्सरसाइज वगैरह के वीडियोस आते रहते हैं, तो उन सबको देखने के लिए आपको क्या करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।